राजस्थान से। हाँ मैं राजस्थान से हूँ। कहाँ से? मैं जोधपुर से। आर्मी वालों ने लगा कर रखा था साइड होकर, हम तो निकल गए। अच्छा, स्टार्ट करें थोड़ा। इनवाइट किया और मैं पहले मेरा परिचय देना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर राजेंद्र भगोरिया, सीनियर साइंटिस्ट हूँ सीएसआईआर ट्रिपलाइन जम्मू में, और एग्रो प्लांट साइंस एंड एग्रो टेक्नोलॉजी डिवीजन में काम करता हूँ, जो कि फसलें होती है हमारी जो मेडिसिनल एरोमेटिक क्रॉप, उनकी एग्रो टेक्नोलॉजी डेवलप करने का हम काम करते हैं। अभी सीएसआईआर से एक प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रोजेक्ट अरोमा मिशन प्रोजेक्ट, जिसकी तीसरी फेज है, जो कि फर्स्ट फेज में, फर्स्ट फेज सेकंड फेज और थर्ड फेज आई थी। फर्स्ट फेज में इसमें 2000 मतलब 4500 हेक्टर जो है कवर करना था, जो ये अपने एरोमेटिक क्रॉप और मेडिसिनल क्रॉप के अंतर्गत करना था। उसके बाद में 9000 के करीब का टारगेट था, जिसमें 6 लेवें थी सीएसआईआर की, 6 लेवें जो कर रही थी, जिसमें ट्रिपलाइन जम्मू है, सीमेप लखनऊ है, एनबीआरआई लखनऊ है, आईएचबीटी पालमपुर है, ये बहुत सी लेवें जो प्लांट बेस्ड है, नीस्ट जोरास्ट वगैरह है, जो थ्रू मतलब कंप्लीट इंडिया में जो है काफी सारे स्टेट में ये इस तरह का मिशन प्रोजेक्ट चला रही है। सीएसआईआर ट्रिपलाइन जम्मू जो है वो हमारे जेएनके में भी मिशन प्रोजेक्ट चला रहा है और बाहर भी चला रहा है। तो जेएनके में हमारी जो है मुख्य फसलें जैसे लेवेंडर हो गया, अपनी लेमन ग्रास, जो कि ट्रेडिशनल खेती को छोड़ के दूसरी खेती की तरफ डाइवर्ट करके उनकी इनकम को इनहांस किया जा सके, उनकी इनकम को बढ़ाया जा सके, उसमें एक सब मेन आई है, जिसमें लेवेंडर की खेती का मेजर है, जो किसानों की इनकम जो है 8 से 10 गुना तक बढ़ी है उसमें। अब एक बार आपने लगानी है, एक बार लगाने के बाद 10 से 15 साल तक चलती है, और इसकी जो है इसे तेल की यहाँ पे जो हमारे किसान साथी हैं उनको अरोमा मिशन प्रोग्राम के तहत अवेयर करना, तथा जो हमारी फसलें हैं जो अरोमेटिक और मेडिसिनल फसलें जो है उनको लगाने के लिए उनको मोटिवेट करना, जिनसे कि फार्मर्स की इनकम को जो है वो बढ़ाया जा सके, तथा जो फार्मर्स के खर्चे हो रहे हैं अभी हमारे क्रॉप कल्टीवेशन वगैरह में जो खर्चे आ रहे हैं उसको हमने कम करके जो ये ट्रेडिशनल क्रॉप से ये जो है मेडिसिनल और एरोमेटिक क्रॉप पे शिफ्ट हो सके। तो किस तरह की जानकारी आपके द्वारा फार्मर को दी गई, क्या कुछ बताया गया? सर हमारे द्वारा बताया गया है कि जो सीएसआईआर द्वारा अरोमा मिशन प्रोजेक्ट चल रहा है उस स्कीम के तहत हम फार्मर्स की क्या मदद कर सकते हैं, क्या फार्मर्स को उससे बेनिफिट हो सकते हैं, जिससे कि फार्मर्स जो है इन फसलों की तरफ लगाने के लिए अग्रसर हो सके। जिस तरह से आजकल फार्मर जो है वो खेती से पीछे हट रहे हैं, क्योंकि वो बार बार वही धान और फसल जो मक्की की फसल लगा के तंग आ चुके हैं, उनका कहना कि कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो अलग से किस तरह की जानकारी उनको दीजिए ताकि दूसरी फसलें भी वो लगाएं जो जिनसे उसे इनकम जो है उनकी वो डबल हो सके। आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि फार्मर्स जो है आजकल खेती से उनका रुझान हटता जा रहा है। एक तो क्या है कि कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन थोड़ी ज्यादा आ रही है जो ट्रेडिशनल फसलें हैं, दूसरा क्या है कि जो पशुओं से या जो दूसरी चीजों से जो है कीड़े मकोड़े या बीमारियों से भी वो ज्यादा फसलों में ज्यादा लगती है। बट जो अरोमा मिशन के तहत जो फसलें लगाई जा रही है, जैसे लेवेंडर हो गया, रोजा ग्रास हो गया, लेमन ग्रास हो गया, ये है मेडिसिनल फसलें हैं, इनमें फसलों में कीड़े वगैरह इनकी भी समस्या नहीं होती, तथा ये पशुओं से भी इनको नुकसान नहीं होते। और दूसरा ये है कि इन फसलों का जो है ये है कैश क्रॉप के रूप में इसको हम कह सकते हैं, तो ये इनसे क्या है कि फार्मर्स को ज्यादा बेनिफिट्स मिलता है, तथा एक बार लगाने के बाद में ये 13 से 14 साल तक कुछ फसलें ऐसी होती है जो 13 से 14 साल तक चलती है, जिससे कि इसका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम हो जाता है। तो क्या राजौरी के चारों ओर क्षेत्र से जो आज हमारे किसान भाई आए हैं उन्होंने अपना जो है इसमें इंटरेस्ट शो किया है लगाने के लिए, तो जब नेक्स्ट अभी सीजन आ रही है तो इस सीजन के तहत हम लेमन ग्रास, लेवेंडर और कुछ फसलें और भी है जैसे टर्जेटिस माइनूटा, जो कि यहाँ पे यहाँ के वातावरण के लिए अनुकूल है, वो हम लगाने का प्रयास करेंगे और फार्मर्स को बीज भी वितरित करेंगे, तथा हमारे संस्थान की तरफ से जो है तकनीकी जानकारी हम फ्री ऑफ कॉस्ट उनको प्रोवाइड करवाएंगे।